बन के आ गए अगली कतार, प्रधान बन के आ गए अगली कतार में। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर यहाँ खड़े झूठ है। इस बार सीधी लड़ाई, विकास अभी तीन तीन ओवर ब्रिज बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी जीते, आयुष्मान कार्ड बना रही है। जो सरल हो, जो मिलनसार हो, वो सांसद हमारे बहुत अच्छे हैं। सरकार की देने की डेप में यहाँ की जनता ठगी गई है। ये लोकसभा हम जीत रहे हैं, इसमें अभी तक ऐसा काम हुआ ही नहीं, हर चीज महंगा हो गया। राम लहर देखा जा रहा है, विश्वविद्यालय की बहुत जबरदस्त मांग थी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में अमनदीप और आप देख रहे हैं हमारा खास शो गेम्स ऑफ कद्दी, जिसमें आज बात होगी गोंडा लोकसभा सीट की, यानी कि वो सीट जो दशकों से बीजेपी का गढ़ रही है। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि ये सीट कितनी ज्यादा खास है और साथ ही इस सीट पर कब कौन जीता। तो देखिए, कीर्तिवर्धन सिंह की यहां से बीजेपी की तरफ से जीत हासिल करते रहे हैं और यहाँ से सांसद भी हैं और बीजेपी के कब्जे वाली इसे सीट कहा जाता है और बीजेपी का गढ़ भी ये सीट रही है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए सीट निकालना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। और सिर्फ यही वो सीट नहीं है बल्कि गोंडा लोकसभा में आने वाली पाँचों विधानसभा सीटों पर भी भगवा लहरा रहा है। कहाँ कहाँ पर जो बीजेपी का गढ़ रहा है और कहां कहां पर भगवा लहराया है वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। देखिए 2024 के मुकाबले अगर हम बात करें तो देखिए मनकापुर, महनोन, गोरा और साथ ही उतरोला और गोंडा सदर, ये वो पांच सीटें हैं जहां पर बीजेपी का कब्जा काफी ज्यादा मजबूती के साथ में रहा है। बीजेपी जो भी मुद्दे लेकर यहाँ की जनता के पास में गई उन जनता ने स्वीकार भी किया। और ऐसे में एक तरफ बीजेपी ने दोबारा अपने मौजूदा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह पर दाव लगाया है जो कि 7 बार से सांसद है और राजघराने से भी आते हैं और इसके सामने समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतारा है श्रेया वर्मा को और श्रेया कद्दावर समाजवादी पार्टी नेता बेनी प्रसाद वर्मा की पोत्री भी है। यानी कि यहाँ पे आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि अदम गोंडवी के शहर में सियासी मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है और इसके अलावा जो मुकाबला है दोनों के बीच में कीर्तिवर्धन सिंह और दूसरी तरफ देखिए श्रेया वर्मा, ये दो कैंडिडेट होंगे जिनके बीच में जो मुकाबला है वो सीधा रहेगा। इसके अलावा बाकी विपक्षी पार्टियां भी अगर अपने उम्मीदवार उतारती हैं तो देखना होगा कि ये मुकाबला त्रिकोणीय हो पाता है या फिर नहीं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गोंडा एक पौराणिक शहर जिसका अयोध्या से भी नाता है और महाभारत का इतिहास से भी। विशन वंश के राजा मानसिंह ने गोंडा शहर को 400 साल पहले बसाया था। कहा जाता है कि तब गोंडा एक घना जंगल हुआ करता था, लेकिन इसी जंगल से गुजरते हुए 1620 में राजा मानसिंह ने उसे अपनी राजधानी बनाने का निश्चय किया। अवध प्रांत का ये जिला पूरब में बस्ती, पश्चिम में बहराइच, उत्तर में बलरामपुर और दक्षिण में अयोध्या और बाराबंकी जिले से घिरा है। अब गोंडा एक लोकसभा सीट है और इस सीट का सियासी पारा हाई हो चुका है। गोंडा संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से सांसद जिस वक्त हैं उन पर ही भरोसा जताया है। वहीं बेनी वर्मा की पौत्री श्रेया वर्मा पर समाजवादी पार्टी ने दांव खेला है। दोनों लोग अपने अपने तरीके से प्रचार कर रहे हैं, कोई सियासी गणित की बात कर रहा है, कोई जातिगत समीकरण की बात कर रहा है, तो कोई विकास के मुद्दे मोदी, योगी और अयोध्या के नाम पर वोट मांग रहा है। वैसे तो गोंडा लोकसभा सीट पर आजादी के बाद से ही कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन अब ये बीजेपी का गढ़ बन चुकी है। गोंडा लोकसभा सीट पर आजादी के बाद 17 बार चुनाव हुए जिसमें से 8 बार कांग्रेस
पांच बार बीजेपी, दो बार एसपी, एक बार जनता पार्टी और एक बार स्वतंत्र पार्टी ने जीत दर्ज की। लेकिन इस सीट का एक और सियासी इतिहास है। रजवाड़ी से ताल्लुक रखने वाले आनंद सिंह और कीर्तिवर्धन सिंह की ब्रजभूषण शरण सिंह से चुनावी लड़ाई गोंडा में आम है। भले ही ब्रजभूषण शरण सिंह अब कैसरगंज सांसद हो, लेकिन 1971 में शुरू हुआ यह सियासी द्वंद अब भी जारी है, जो 24 के चुनाव को दिलचस्प बनाता है। सीट पर या तो मनकापुर राजघराना का प्रभाव रहा है, और या तो ब्रजभूषण शरण सिंह और उनके परिवार के लोग चुनाव जीतते रहे हैं। काफी खींचतान रही पहले शुरू में टिकट को लेकर के दोनों दलों में, भारतीय जनता पार्टी में भी कई दावेदार रहे और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के भी कई दावेदार रहे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समझौते के तहत ये सीट जो है सपा के खाते में गई। फिलहाल ये सीट बीजेपी के कब्जे में। बीजेपी ने यहाँ मौजूदा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह को दोबारा मैदान में उतारा। 2019 में यहाँ वोट पड़े थे। जबकि सामाजिक ताने बाने की बात करें, ग्रामीण वोटर शहरी वोटर है, यानी किसान बाहुल्य इस इलाके में 2024 का मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। आगम गोंडवी के शहर का सियासी पारा हाई है। फिलहाल कांग्रेस और सपा के साथ आने से समीकरण कैसे बदलते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। गोंडा से न्यूज 18 के लिए देव त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो यहाँ का सियासी समीकरण हमने आपको बताया, अब जातिगत समीकरण यहाँ पर क्या कहता है वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जो जातिगत समीकरण है, मुस्लिम यहाँ पर 18% वोटर्स हैं, ब्राह्मण की बात करें तो यहाँ पर 16% वोटर है, कुर्मी की बात करें तो 15% यहाँ पर वोटर्स हैं, क्षत्रिय 13%, इसके अलावा दलित वोटर्स की बात करें तो 15% है, यादव की बात करें तो 8%, और अगर अन्य को देखें यहाँ पर तो 15% यहाँ पर अन्य वोटर्स हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो संख्या है यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स की है। समीकरण हर चुनाव को कमोबेश प्रभावित करता है। समाजवादी पार्टी का जो अल्पसंख्यक मत है वो पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के झोली में जाना लगभग तय है। इसके अलावा जो यादव मतदाता है वो भी परंपरागत तरीके से माना जाता है कि समाजवादी पार्टी का मतदाता है। इन विधानसभा सीट इनमें जो कुर्मी मतदाता है, जिस वर्ग से श्रेया वर्मा आती हैं, उस वर्ग की अच्छी खासी तादाद मतदाताओं की है। समाजवादी पार्टी ने श्रेया को आगे करके बैकवर्ड, महिला और यूथ, तीन सेगमेंट को कवर करने का प्रयास किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी, मोदी की गारंटी और राम मंदिर की प्रतिष्ठापना का जो एक संदेश है वो लेकर के और इसी के भरोसे ये दोनों पार्टियां आपस में अपने अपने चुनाव प्रचार में जोर शोर से लगी हुई। कास्ट फैक्टर गोंडा में गेम्स ऑफ गद्दी को दिलचस्प बना रहे हैं, लेकिन अब तक के नतीजे कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। जरा 10 साल पीछे आपको लेके चलते हैं और देखते हैं कि 2014 में किसका कैसा जनाधार यहां पर रहा था। अब देखिए 2014 में गोंडा सीट पर बीजेपी को 38.93% वोट मिले थे, प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी को 21.57% वोट मिले। अगर बीएसपी की यहां पर बात करें तो कुछ खास कमाल यहां पर नहीं कर पाई थी बीएसपी और 12.58% वोट ही मिल सके, जबकि इस साल समाजवादी पार्टी से अलग होकर बेनी प्रसाद वर्मा कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें मात्र 11.07% वोट ही मिले थे उसके बाद। और 2024 में इन्हीं बेनी प्रसाद वर्मा की पोत्री समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट है, अब वो कितना कमाल कर पाती हैं ये फिलहाल नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। और 2019 के नतीजे क्या कुछ कहते हैं वो भी आपको बताएंगे कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो आखिर क्या कहते हैं। तो देखिए कीर्तिवर्धन सिंह जिन्हें 5.08 लाख वोट मिले थे, समाजवादी पार्टी की यहां पर बात करें तो 3,41,000 वोट मिले, और कृष्णा पटेल की बात करें जो कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रही थी उनको 25,000
686 वोट मिले थे, यानी कि सबसे ज्यादा जो जनाधार रहा था वो बीजेपी का रहा। खुदी सुकरात की हो या की हो रघुनाथ गांधी की, सदाकत जिंदगी के मोर्चे पर हार जाती है। फटे कपड़ों से तन ढाके गुजरता हो जहां कोई, समझ लेना वो पगडंडी अदम के गांव जाए। महान कवि अदम गोंडवी के शहर की ये कहानी है, जिसने अपनी कविताओं से खादी खाकी और नौकरशाही को तीर चुबोहे। उसके शहर का हाल आज भी कुछ खास नहीं बदला। आज भी गोंडा की गिनती पिछड़े जिलों में होती है। वो अलग बात है कि बीते 10 सालों में तस्वीर बदलने की कोशिश खूब हुई। लोकसभा चुनाव जब निकट है तो लोगों को जनता की याद आई है। कोई अपने पूर्वजों के काम की बात गिना रहा है तो कहीं लोग विकास और मोदी योगी का नाम दे रहे हैं। कोई अयोध्या की बात कर रहा है तो कोई समाजवादी पार्टी के बैनर तले सियासी समर में कूद चुका है और सत्ता की गलियारे में पहुंचने के लिए बेताब है। सरयू के गोद में बसे गोंडा में विकास की गंगा बहाने के खूब प्रयास हुए। 2014 में कीर्ति वर्धन सिंह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए और तभी से वो बीजेपी सांसद हैं। लिहाजा उनके कार्यकाल में विकास कार्यों की बात करें तो गोंडा को एक मेडिकल कॉलेज मिला, 3 रेलवे ओवरब्रिज बनाए गए, 1 इंजीनियरिंग कॉलेज मिला, 5 नए पॉलिटेक्निक कॉलेज, जरवल फरेंदा स्टेट हाईवे का निर्माण, देवी पाटन प्रयागराज स्टेट हाईवे का निर्माण हुआ। यानी शहर के विकास के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और कनेक्टिविटी पर तो काम हुआ, लेकिन किसानों के मुद्दे अब भी बरकरार हैं, जिनमें मक्का जैसी फसलों को ODOP के तहत सरकार प्रमोट कर रही है। सांसद सबसे बेहतर हैं और ये बेहतर रहेंगे। ऐसी है, आए चुनाव लड़े चले गए, फिर मिलने नहीं आए। तमाम काम किया है, काम का कोई जोड़ नहीं हमारे प्रत्याशी। गोंडा में जैसे भैया पहले की बात तो अलग है, अब की बात अलग है। जब से मोदी जी आए हैं तब से लोगों की जो है मेंटालिटी थोड़ी सी चेंज हुई है। रोड के मामले में ये सरकार जो मौके पर है वो सही है। अच्छी सुविधा हो पढ़ाई की, अच्छी शिक्षा नीति हो, यही सब मांगे हमारी। अरे सब चीज सस्ता करे, हर चीज महंगा हो गया है, विकास करे यहाँ का जो है। बेरोजगारी वाली समस्या तो एक ही है, शिक्षा वाला है, स्वास्थ्य शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा आदमी का एक आम जनता इसी में खर्च होता है। जनता ये मानती है कि गोंडा में बीजेपी सरकार आने के बाद विकास तो खूब हुआ, लेकिन शहर में अब भी विकास की दरकार है, जैसे उद्योग, रोजगार और लोकल सड़कें, और यही मुद्दे 2024 के चुनाव का सेंटर रहने वाली है। गोंडा से न्यूज 18 के लिए देव त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो विकास के दावे तो खूब किए जा रहे हैं, हालांकि गोंडा जिला आज भी पिछड़े जिलों में ही गिना जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि वो कौन से मुद्दे हैं जो कि गोंडा के चुनावी अखाड़ों में गूंज रहे हैं, चलिए वो भी आपको बताते हैं। पहला मुद्दा है जो कि इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, घाघरा और सरयू नदियों का हर साल भारी तबाही जो मचती रही है उसको लेकर लोगों में नाराजगी भी देखी गई। अब दूसरा मुद्दा है यहाँ पर रोजगार। जिले में ऐसे कोई भी उद्योग या फिर संसाधन नहीं है जहाँ पर रोजगार पैदा हो, तो इसको लेकर भी लोगों में बड़ा मुद्दा है। तीसरे मुद्दे की अगर बात करें तो किसानों से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, आवारा पशुओं का मुद्दा। अब दावा किया जा रहा है कि फसलों को ये पशु नुकसान पहुंचाते हैं। और चौथा मुद्दा है सिंचाई के पानी को लेकर। हालांकि योगी सरकार ने सिंचाई बिजली फ्री कर एक बड़ा दाव भी चला है। और पांचवा मुद्दा है गोंडा में सड़कों का। लोकल सड़कें उतनी अच्छी नहीं है और जनता इन्हें और बेहतर करने की मांग भी कर रही है। और इसके अलावा जिले में विश्वविद्यालय भी एक बड़ा मुद्दा है जिसकी मांग कई सालों से की जा रही है। हालांकि मौजूदा सांसद और बीजेपी प्रत्याशी अगले कार्यकाल में मौजूदा मुद्दों को हल करने का दावा भी कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है केंद्र और प्रदेश में और बहुत तेजी से काम चालू हुआ है, और अगले 5 साल में जो थोड़े बहुत जो छूटे हुए हैं पहले तो उनको हम लोगों को पूरा कराना है। तो लंबित विकास कार्य है, 5,000 करोड़ की करीब करीब योजना, बहुत लंबी योजना है रेलवे लाइन की, वो लोग हम लोग उसको इसमें सफल हुए लाने में। जो भी ऐसी छोटी मोटी योजना अभी बची, जो विकास कार्य बचे हैं, चाहे पुल हों, संपर्क मार्ग हों, रेलवे ओवरब्रिज हों,
उनको आगे ले जाना है। हमें समस्याएं बहुत हैं, 10 साल से यहाँ पे हमारी सरकार नहीं है, फिर भी देखिए मैं कोई काम नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है, यहाँ पे महिलाएं बहुत परेशान है, सब कुछ बहुत महंगा हो चुका है, सड़कें गड्ढा मुक्त करने का वादा किया था, गड्ढा युक्त सड़कें दिख रही है मुझे, और स्वास्थ्य सेवाएं कमजोर दिख रही है हमें। तो हम बस चाहते हैं कि जो सरकार के झूठे वादे थे जनता मुद्दों पर और अच्छे मुद्दों पर वोट करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को किस तरह से डिफेंस कर रही है, किस तरह से मोदी की गारंटी और किस प्रकार से जो है जो कार्य है केंद्र सरकार के और यूपी गवर्नमेंट के जीरो टॉलरेंस नीति है उसको वो कैश कराते हुए अपने आप को डिफेंस किस प्रकार से कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण विषय है। चलिए अब सांसद का रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं। पिछले 5 सालों में सांसद ने कौन से काम किया और कितने प्रतिशत नंबर उन्हें गुंडा की जनता देती है वो भी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा के क्षेत्र की, तो यहाँ पर एक नया इंजीनियरिंग कॉलेज और 5 पॉलिटेक्निक कॉलेज बनवाए गए हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो जिले को मेडिकल कॉलेज मिला है। कनेक्टिविटी के लिए जिले को 2 स्टेट हाईवे मिले हैं। और शहर में क्या हुआ इसकी बात करें तो 3 नए रेलवे ओवरब्रिज यहां पर बनाए गए और रोजगार के लिए एमएसएमई के तहत में युवाओं को प्रशिक्षण भी दिलाया जा रहा है। तो ये जो काम है ये सांसद के द्वारा यहां पर किए जा रहे हैं। हालांकि अब जब नतीजे आएंगे तो स्पष्ट होगा कि जनता किसका साथ देती है। और यहां पर वक्त हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज 18।